मौका नहीं होता सब गाय खा जाती है अन्ना है गाय हाँ नहीं जाती इसकी कोई पावे नहीं है इसका और इसका सरकारी इंतजाम करती है अन्ना प्रथा तो एक ऐसी परेशानी है कि आप आ, बहुत अच्छी फसल है आप दो दिन के लिए चुग गए तो खत्म तो वो तो बहुत बड़ी व्याधा है किसानों के लिए आज हम फतेहपुर जिले के दतौली गांव में हैं हम यहां आए हैं किसानों से बात करने के लिए हम जानना चाहते हैं कि नई दिल्ली में सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने एक वादा किया था कि किसानों की आय अगले पाँच सालों में दोगुनी की जाएगी और उत्तर प्रदेश में अब जहाँ चुनाव आने वाले हैं वहाँ पे हम किसानों से बात करेंगे कि क्या उनकी आय दोगुनी हुई है उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं किसान खुश हैं या नाराज़ हैं और इनके खुश और नाराज़ होने का असर सरकार पर किस तरह पड़ेगा सबसे समस्या गायन के गाय रात बता के मनाई दूह ले आते ढील दे आते जो कहा थे तो लालपुर ऊपर से पड़ है लाड़े का दावा रखते है और जो कहा थे तो नहीं मान रहा तो न प्रशासन सुन रहा और न गर्मेंट सुन रही अन्न है वही में दूधारू है बैलो है गाय है मानो सब तरह के जानवर है इनमें दूध दूह के निहा बिना दूहनी वाली भी हैं

उनके मंजूरी से पैसा लाए कितने क्या ब्याज ये क्या चल, चल रहा है दस रुपये सायकरा के तो आज का इनका बंधावा नहीं इनका बंधा हुआ हमारे गांव से आ, इतनी परेशानी है कि रात में जगना रात में जगने की वजह से दिन में लोग माने चिड़चिड़ापन आना आपस में लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं और आ, इरिटेशन में रहता है किसान उसके स्वास्थ्य के ऊपर भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है परिवारों के ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा सब जगह प्रभाव है उसका और उत्पादन में तो प्रभाव पड़ता ही है अन्न प्रथा तो एक ऐसी परेशानी है कि आप आ, आ, बहुत अच्छी फसल है आप दो दिन के लिए चुग गए तो खत्म तो वो तो बहुत बड़ी व्याधा है किसानों के लिए इसका मैग्नीट्यूड पूरे बुंदेलखंड में देखा जाए तो कितना बड़ा है देखिए ये पहले बुंदेलखंड में थी अब ये उत्तर प्रदेश भर में व्याप्त हो गई है तो इसका एक सिरा तो सरकार की नीतियों में है दूसरा सिला एग्रीकल्चर पैटर्न के चेंज होने में है और दोनों को जब हम बात करेंगे तब इसके मूल कारणों पर जाएंगे तब इसका निदान हो सकता है अभी तो ये हुआ है कि सरकार ने जितना जितना इसके निदान करने की कोशिश की है पिछले बीस वर्षों में सारी सरकारों ने उतना उतना ही बढ़ा है और इस अभी तीन चार पाँच वर्षों में तो इतना बे बढ़ा है पहले ये केवल बुंदेलखंड में थी जब से ये सरकार आई है तो पूरे उत्तर प्रदेश भर में फैल गई है तार को तोड़ करके गाय जो है भूखे में वो भी अपने पेट के लिए आती हैं लकड़ी तोड़ देती हैं अंदर घुस जाती हैं हम खेत में रात दिन पड़े रहते हैं दिन भर रहते हैं और रात भर रहते हैं मड़िए डाले हुए हैं बिना बिना रात में ख्यात में रुके से आपको बचते नहीं है अब बताओ काहे में लाड़िका बिटिन के काहे में ब्याह किन जाए ना तो कोनो गवर्नमेंट सुविधा दाई रही इसमें मुनाफा नहीं होता सब गाय खा जाती हैं अन्ना है गाय और डीएपी महंगी मिलती है और समय से खाद नहीं मिल पा रही है डीजल है हाँ। तो महंगा है आठ सौ रुपये घंटे की जुताई चल रही है और ये गायन के मारा हम बहुत परेशान हैं हाँ निजात इसकी कोई उपावे नहीं है इसका और ना इसका सरकारी इंतजाम करती है सरकारी इंतजाम नहीं कर नहीं, नहीं कर रही है तो किसी से शिकायत की कभी आपने शिकायत जाते हैं कहीं सुनाई नहीं होती है कहां गए थे आप? हम ये विधायक से बात करते हैं ये कहीं आ गए उनसे बात करते हैं तो वो भी कह देते हैं ठीक है ठीक है कर देंगे वो भी नहीं करते हैं और किससे क्या कहें तार लाओ वो दस रुपये कुंटल का मिले थे दस हजार का टूट जाती है फिर लोहा पैसा नहीं आए तो बताओ का, का का करन हम मजदूरी कई कई किसानी में लगा हुए थे और नहीं मिलता था हमारा लड़का बच्चा जो है परेशान रहती कोरोना में जब कोरोना लगा था तो उसमें काम नहीं लग रहा था तो उसमें कुछ ले लिए तीस पैंतीस हजार फिर दस बीस हजार तार के ले लिए ले लिया उसमें लगाया फिर इसी तरह है, दिक्कत बीमारी आ गई उसमें ले लिया और आज तक वो पैसा दे नहीं पा रहे हैं। फिलहाल मैं बांदर जिले के अतर्रा गांव के आसपास मौजूद हूँ बुंदेलखंड का ये वो इलाका है जो हर गर्मी में सूखे से ग्रसित रहता है और जब सूखे से ग्रसित नहीं रहता है तो यहाँ पर किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है अन्ना पशु आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ गाय हैं जो इस खेत में आ गई हैं और जो यहाँ पे बीज डाले जा रहे थे बुआई हो रही थी वो खराब हो रही है हम बात करेंगे कुछ किसानों से जो हमारे साथ मौजूद हैं जिनके खेत हैं बटाई पे बहुत बड़ी समस्या है बाबू आज आज वो है खेत देखो पीछे टहल रहे हैं गायें कल से अब इनका उपचार करेंगे कुछ तार आर जाली अली लगाएंगे तब जाके कहीं मुश्किल से जाके फिर फसल तैयार होने के बाद भी परेशान करती हैं इसके लिए कहीं बाहर भी नहीं जाते आते हैं हम और अपना यहीं पर रहते हैं काम करते हैं क्या रात में भी आना पड़ता है जी सर रात में भी तीन तीन चक्कर लगाना पड़ता है घर परिवार में बहुत सारी समस्याएं आती हैं जैसे घर में कुछ घटा बढ़ा और पता चले कि कोई आ गया लेकिन हम वहाँ पे मौजूद नहीं है फिर बोलते हैं कि जाओ खेत से लीवा के लाओ खेत से हम गए घर पता चले फिर इधर गाए आ गई फिर वहाँ से भागे बहुत बड़ी परेशानी है सर सर हम चाहते हैं कि इनका बढ़िया गौशाला बन जाए वहाँ पे इनका चारा और कुछ खाने पीने का प्रबंध हो जाए पानी का हो जाए ताकि ये अपना वहीं पे सब बढ़ता रहे और इसके बाद जब फसल कट जाए तो फिर इसके बाद आप छोड़ सकते हैं मान लीजिए ये आपके छः बीघा खेत हैं। जी तो ये अन्ना पशु कितने बीघा खेत खराब कर देते हैं ये सर मानो कि साइड साइड का पूरा कम से कम दो ढाई बीघे खराब कर देती है उन्नीस में सबसे पहले एक कानून बना था भूमि सुधार के नाम से जितनी शासकीय जमीनें थीं जो बंजर खाते में दर्द थीं जो सार्वजनिक उपयोग की ज़मीनें थीं उनके पट्टे कर दिए गए थे तो इनके जो हर गांव में बुंदेलखंड में 20 25 30 प्रतिशत तक इलाका राहत करता था वो सब एकदम से इंगेज हो गया खेती में कन्वर्ट हो गया तो इनके लिए चरने की जगह चली गई पहली दूसरी 1975 के बाद 1978 के आसपास से आर्टिफिशियल uh, एनसेमिनेशन का काम हुआ उसकी वजह से किसानों के पास जो प्राकृतिक रूप से तीन लीटर दो लीटर चार लीटर दूध देने वाली गाय थी या बछड़े के लिए गाय थी उन सब में के जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गया अब कोई पावर दूध नहीं देने वाली गाय हो गई अब बिल्कुल बिना हम्प के बछड़े हो गए दूसरी नीति एक तीसरा या तो उनके लिए प्राकृतिक ऑफ की व्यवस्था हो अर्थात जंगल हो तो चकबंदी में किसी भी गांव में जंगल नहीं दिए गए हर गांव में यदि आठ से दस प्रतिशत भूमि जंगल के लिए दी जाती तो ये वहाँ पर ये जानवर बने रहते अब किसान क्या करे अगर वो गाय पालेगा तो साल दर साल बछड़े होंगे ही बछड़ियाँ होंगे ही अगर वो दूध नहीं देंगी तो कब तक वो खिला सकता है तो वो मजबूर हो गया छोड़ने के लिए और इधर उनके प्राकृतिक डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है जो लोग खाते थे उनको खाने से भी रोक दिया गया जंगल है नहीं तो करे क्या तो, तो हो नहीं है तो एक सिरा आ, सरकार की नीतियों का है दूसरा एग्रीकल्चर पैटर्न में जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया मोनोक्राप कल्चर आ गया बुंदेलखंड में जहाँ खरीफ की फसलें पचास प्रतिशत से अधिक इलाके में होती थी वो इलाका जानवरों के चरने के काम आ जाता था अब यहाँ रबी प्रधान फसलें होने लगी तो रबी प्रधान फसलों में आ, जो क्रॉप पैटर्न चेंज हुआ तो उसमें जानवर कहाँ चरे तो क्राप पैटर्न चेंज हुआ पॉलिसी में भी चेंज हो जाए उसका दुष्परिणाम है अन्ना प्रथा अब अन्ना प्रथा के जब तक ये कारण बने हुए हैं तीनों तब तक उसका कोई निदान हो ही नहीं सकता है तो कारण समाप्त करिए निदान अपने आप को जाए